मेरी आवाज क्लियर है? गुड गुड गुड। तो जी आज कोई पीपीटी नहीं है, हम आज करने वाले हैं सेल्फ थिंकिंग, सेल्फ एनालिसिस, है ना। ऐसा बोला जाता है कि ध्यान में हर प्रश्न का उत्तर होता है, जैसे कि गीता में कहते हैं हर प्रश्न का उत्तर होता है। खुद के ध्यान में, खुद के अंदर ही अपने आत्मज्ञान से हम बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अभी तक हम डे 1 2 3 4 में क्या पढ़ते आ रहे थे कि अगर मैं मिनिमलिस्ट हो जाती हूँ तो बहुत सारे मेरे काम आसान हो जाते हैं। मुझे कपड़े कम धोने पड़ेंगे, मेरा पैसा बचेगा, मेरी एनर्जी बढ़ेगी, सब कुछ मैं अपने बेनिफिट के लिए सोच रही थी। बट आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, और प्लस हम ध्यान भी करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा आत्मज्ञान हमें बताए कि जो आज का टॉपिक है कि क्या लाइफ टाइम, पूरी एंटायर लाइफ मुझे मिनिमलिस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमने 3 दिन का चैलेंज लिया था, 3 दिन हम वही सेम कपड़े पहन के आ रहे हैं, शायद मैं भी वही डे 1 और डे 5 में सेम टी शर्ट में हूँ। ठीक है, हमने 3 दिन का चैलेंज लिया था, लेकिन क्या मुझे एंटायर लाइफ, अगर मैं इस मिनिमलिज्म को फॉलो करती हूँ, तो मुझे कोई बेनिफिट होने वाला है या फालतू ही मैं मेहनत करूंगी? ठीक है, तो आज इस पे डिस्कशन है। उससे पहले मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, वो ये कि आप में से कितने लोगों को कार्बन फुटप्रिंट के बारे में पता है? कार्बन फुटप्रिंट? नहीं, दिव्यानी मैम तो ऐसे, ये क्या बोला मैडम ने, कुछ समझ में नहीं आया। शशि मैम हंस रहे। हाँ, ज्योति मैम को थोड़ा 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 पता है ना, क्योंकि उस कंट्री में शायद थोड़ा काम हो रहा है कार्बन फुटप्रिंट पे। यस, अभी इंडिया में इतना काम नहीं हो रहा है कार्बन फुटप्रिंट पे। या तो अब कार्बन फुटप्रिंट क्या है वो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तब आपको पता चलेगा कि आप अकेले अपने घर में, अपने कमरे में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, फालतू की किताबें निकाल रहे हैं, ज्यादा बहुत सारे कपड़े नहीं पहन रहे, अलमारी खोलते ही कपड़े गिर रहे हैं, ढेर सारे हो रहे हैं, तो वो सब जैसे जैसे आप अपने में इम्प्रूव कर रहे हैं ना, इनडायरेक्टली आप प्लैनेट अर्थ को हेल्प कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन के रहने के लिए। हम में से बहुत सारे लोग, मतलब कि स्पेशली ये जो हमारी जनरेशन है अभी वाली, जो आई थिंक 1940-45 के बाद से लेके, यस रजनी मैम कह रहे, मैं जानती हूँ, बिकॉज रजनी मैम ऑलरेडी मिनिमलिस्ट के बारे में भी जानते थे, तो जो मिनिमलिस्ट है वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, इसीलिए वो इसी एक पाथ को फॉलो करते रहते हैं, वो मिनिमलिस्ट बने रहते हैं। तो रजनी मैम को इसीलिए कार्बन फुटप्रिंट के बारे में भी पता होगा, क्लाइमेट चेंज के बारे में भी पता होगा। तो क्या है कि जो हमारी जनरेशन है, मैं ये बात कर रही थी कि हम 1945-47 के बाद से लेके जो 2000 तक बॉर्न हुए हैं, ईयर 2000 तक बॉर्न हुए हैं, उन सब ने बहुत सारी सक्सेस पाई है। कहाँ, घर में फ्रिज, टीवी, कूलर के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, वो सब सक्सेस पाई है। हम या हमारे पेरेंट्स उस जनरेशन से हैं जो कि एक तार भी भेजते थे ना किसी की डेथ का, टेलीग्राम, तो उस पर्सन का संस्कार हो जाता था, तब तो जाके न्यूज़ मिलती थी, और वो पर्सन आता था तब जाके 13वां 14वां जो भी होता था वो रखा जाता था। आजकल 13वां 14वां 13वें 14वें दिन नहीं रखा जाता, आजकल बैठक दूसरे तीसरे दिन रख दी जाती। क्यों? क्योंकि आपके पास मोबाइल है, डेथ होने के 10-15 मिनट बाद ही आप इंफॉर्मेशन भेज देते हो पूरी कम्युनिटी में, स्टेटस पे, फेसबुक पे, सब जगह डाल देते हो। बंदा रात की टिकट बुक कराता है, फ्लाइट बुक कराता है, अगले दिन पहुंच जाता है, संडे को सब कुछ डन, मंडे से आप अपने उसी बैक रूटीन पे आ जाते हो। पहले क्यों 13वां 14वां ये सब रखा जाता था? बिकॉज इतने दिन लगते थे रिश्तेदारों को पहुंचने में, आजकल ऐसा नहीं है। तो ये जो जनरेशन है जिसने टेलीग्राम से लेके ये फेस टू फेस वीडियो तक का सफर देखा है, अगर आप आंख बंद करके ध्यान की अवस्था में जाके देखेंगे तो ये बहुत स्पीडली हुआ है, बहुत फास्ट हुआ है, और हम लोगों ने इस नेचर को बहुत ज्यादा यूज करा है। जब हमारे बच्चे बोलते हैं कि अब दिल्ली या बॉम्बे में उतनी फ्रेश एयर नहीं बची है ना, जब वो बोलते हैं कि, है ना, जो वाटरमेलन है वो पेड़ पे उगता है, गिरता होगा तो किसी के सर पे लगता होगा, उनको ये नहीं पता होता कि जमीन पे उगता है, बहुत सारी चीजें जो कि उनको पता ही नहीं है। जब वो देखते हैं, हम लोग जब कभी जैसे मैं मेरी फैमिली की बात कर लेती हूँ, मैं और हमारी फैमिली के जो हम 4-5 बच्चे हैं, जब हम फार्म हाउस खुद के खेत पे जाते हैं, जयपुर से थोड़ा सा बाहर 40-50 किलोमीटर पे जो खेत है,
वहां पे जब हम जाते हैं तो जो पौधा उग रहा है उसको देखकर बच्चे तो नहीं बता पाते कि किस चीज का पौधा है, हमें भी देख के नहीं पता चलता, लेकिन हम उसका पत्ता तोड़ेंगे, उसको हल्का सा रब करेंगे, नींबू के जैसे से, ये नींबू का है। कौन कौन कर सकता है ऐसे? आप लोगों में से कईयों ने करा है ना ऐसे, देवयानी मैम, शशि मैम, आशा मैम, है ना, कि ये नींबू के जैसे, और इसको थोड़ा सा तोड़ कर, हाँ ये खट्टा, ये इमली का है, ये इमली का है ना, ऐसे तोड़ कर, ये अमरूद का है। तो हम पत्ते को देख के, तो बच्चे सरप्राइज होते हैं, अरे आपको पत्ता देख के कैसे पता चल गया ये कौन सा पौधा है? तो ये सारी चीजें हमें पता है। और जब वो वहीं पे उग रहे मटर, वहां पे जो मटर उग रहे थे, जब वो मटर खा रहे थे तो उसका जो छिलका है, इसको कहाँ फेंके मम्मी? मैंने कहा यही डाल दो खेत में, यही फेंक दें, फेंक सकते हैं यहाँ पे। मैंने कहा मटर खाद बन जाएगा इसका छिलका, कहीं पे भी फेंको, जहाँ खा रहे हो वहीं फेंकते जाओ छिलका। सरप्राइज क्यों? बिकॉज आप घर में तो चाहे वो हरा कचरा हो चाहे गीला कचरा हो, आप फेंक ही नहीं सकते। ये मनाही थी कि खेत में कोई भी प्लास्टिक थैली इधर उधर नहीं फेंकेगा, वो डस्टबिन में जाएगी। हरा कचरा आप कहीं फेंको, आप अमरूद खा रहे हो, आधा खाया आधा नहीं खाया फेंक दिया वहां पे, मटर खा रहे हो वहीं फेंक दिया, चना खा रहे हो वहीं फेंक दिया, वो सारे छिलके खाद बन जाते हैं। तो ये चीज देख के कि ये तो बहुत आजादी है, कचरा कहीं पे भी फेंको। अरे कचरा नहीं, ये प्लेनेट अर्थ के लिए खाद का काम कर रहा है। ये छोटी छोटी सी जो नॉलेज बच्चों ने जाके सीखी है, स्पेशली हम अपने आप को इतना लक्की मानते हैं कि जयपुर जैसी जगह पे एक छोटा सा खेत ले पाए, मतलब ब्रदर का है वो ले पाए, और बच्चों को वहां पे ले जाके सब कुछ दिखा पाए कि कैसे आपको बाल्टी उठा के पानी भर के बाथरूम में जाना पड़ेगा और वहां जाके नहाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे आप यूं नहीं बटन ऑन करा, गर्म पानी आ गया और नहा ली। ठीक है, तो वो सारी चीजें जब हम देखते हैं तब हमें पता चलता है कि ये जो जनरेशन है, ये 50 साल, 1950 से लेके 2000 साल, इसने नेचर को बहुत अच्छे से यूज करा है, प्लास्टिक बहुत अच्छे से यूज करा है, प्लास्टिक के बर्तन घर में हमारे बहुत प्लास्टिक पड़ा है, अटैची से लेके जो किचन है, बाथरूम है, हर जगह प्लास्टिक 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 है। तो ये सब चीजें हम यूज तो कर रहे हैं, लेकिन इसका जो इनडायरेक्टली इफेक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है। तो कार्बन फुटप्रिंट क्या है, अब आप लोग समझ पाएंगे। कार्बन फुटप्रिंट, यहाँ पे एक इमेज देखिए, यस, कार्बन फुटप्रिंट इन सब से जनरेट हो सकता है अगर आप इनको केयरफुली यूज नहीं कर रहे हैं। जब कभी भी आप मेट्रो सिटीज में चौराहों पे जाके खड़े होंगे और आपके पास अगर कोई ऐसी मशीन है जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और प्योर एयर, प्योर है या नहीं है, वहां की हवा शुद्ध है या नहीं है, तो आप देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट जो है सबसे ज्यादा एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। ठीक है, फूड एंड हाउस होल्ड आइटम बहुत सारे हम जाने अनजाने ऐसे यूज कर रहे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। बहुत सारी पॉलीथीन्स हो गई, बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई कि जाने अनजाने हम कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में बढ़ा रहे हैं। ठीक है, मोबाइल, इंटरनेट, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे हम सिंपल सा, इसमें बहुत डीप नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत डीप स्टडी इसकी बहुत बड़े लेवल पे है। और अभी कल परसों जब मैं शार्क टैंक करके एक सीरियल आता है, मतलब एक एक प्रोग्राम आता है जिसमें एक लड़की जो शायद 20 या 22 साल की होगी, वो इसी चीज पे काम कर रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम रिलीज हो। तो मेट्रो सिटी में खुद की कार से ना जाने की बजाय वो मेट्रो, वो जो मेट्रो ट्रेन है वो यूज कर रही है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजों से कार्बन डाइऑक्साइड कम रिलीज होती है एनवायरनमेंट में, और जब ये कम रिलीज होगी तो हमारा एनवायरनमेंट हमारे लिए तो प्योर होगा ही होगा, हमारी जिंदगी हमारे बच्चों से कम है उनके लिए और प्योर हो जाएगा। तो यही हमारे ही बच्चे लगे हुए हैं इस कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में। अब एक एग्जाम्पल ले रही हूं मैं सिंपल सा, सपोज हम सबने एक कोई मीट है ना, कहीं प्रोग्राम हो रहा है, जयपुर में नीलम मैम ने एक प्रोग्राम रख दिया और सबके सब आ रहे हैं। ठीक है, अब नीलम मैम ने बोल दिया कि इस ब्रांड का कौन सा, सपोज बीबा का है ना, बीबा ब्रांड का पर्टिकुलर इस कलर का ये सूट सबने खरीदना है, सभी वहां पहनकर आएंगे सेम यही ड्रेस। अब क्या है, अभी हम यहाँ पे कितने मेंबर हैं, अभी हम यहाँ पे हैं
34 मेंबर, ठीक है। अब ये 34 मेंबर्स 34 सूट बाय करेंगे। अब सभी तो मार्केट जाएंगे नहीं, फर्स्ट चॉइस हमारी रहती है ऑनलाइन, ऑनलाइन हमने खरीद लिया। 34 मेंबर्स के घर पे 34 बॉक्सेस आ गए इस टाइप के गत्ते के, जिसके अंदर सूट आया है, अंदर पॉलीथीन है, ठीक है, वो सारी पैकेजिंग आई है। तो ये जो पैकेजिंग आई है ये आपके सूट के लिए बनाई गई थी। अब आपने सूट जब ले लिया, अब इसको वापस से डिस्ट्रॉय करा जाएगा, ठीक है। 3 स्टेप में काम हुआ, ये बॉक्स बनाया, आपने सूट निकाल लिया, इस बॉक्स को हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया। अगर आपने रद्दी वाले को दिया है तो ये वहां पहुंच जाएगा जहां पे इसको रीयूज करा जाएगा, ठीक है। अब वहीं पे अगर नीलम मैम ये बोल दे जिसके पास जो ड्रेस है वो पहन के आओ, कलर येलो ले लेना ताकि हम सब एक से दिखे, कोई भी नई ड्रेस बाय नहीं करेगा, कोई भी नया नहीं खरीदेगा, येलो कलर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, येलो के डिफरेंट शेड्स ले लीजिए, और नहीं है कोई बात नहीं, आप कुछ भी पहन के आइए, कुछ भी नया खरीद के नहीं पहनेंगे, जो पहले से है वो पहनेंगे। 34 सूट्स पे जो आपका खर्चा होता वो बच गया, 34 सूट्स में जो आप एनर्जी लगाते वो बच गई, ये पैकेजिंग ये बच गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम धीरे धीरे एनवायरनमेंट को यही नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो बहुत ही हाई लेवल का मिनिमलिस्ट होने की जरूरत नहीं है, एक लो लेवल से हम शुरुआत कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हमें घर बिल्कुल खाली कर देना है कि कोई आए तो उसे चटाई पे बैठना पड़े, जितना सामान है उतना, हमको जरूरत जितना है उतना रखें, और बाकी जो नहीं चाहिए वो हमें हटाना है, हटाना है अभी तो, क्योंकि हम ऑलरेडी ओवरलोड कर चुके हैं घर को, ऑलरेडी ओवरलोड कर चुके हैं, उनको हटाना है। और साथ में अब आगे से ये दिमाग लगाना है कि पैकेजिंग में ये सब चीजों को, जो मैं एसी पूरे पूरी रात चलाती हूँ, एसी पूरा पूरा दिन चलाती हूँ, उन सब से कितना ज्यादा कार्बन रिलीज हो रहा है। कार्बन फुटप्रिंट में मैंने भी अपना एक फुट छाप दिया है, वो एक फुट मुझे अपना कम करना है। अभी कई कई कंट्रीज में ऐसा भी हो रहा है कि पूरा एक दिन लाइट ही नहीं दी जाएगी, है ना, कई कंट्रीज में हो रहा है। किसी की कंट्री में हुआ है ज्योति मैम? अभी तक नहीं हुआ है। अभी उस दिन मैं कौन सी कंट्री का, मुझे कंट्री का नाम याद नहीं आ रहा, पूरे दिन पब्लिक को बोला गया कि आप इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करेंगे। उस दिन बाई चांस हॉलीडे था, संडे वनडे था, तो सबने पूरे डेडिकेशन से ये काम करा कि हाँ ठीक है हम लाइट यूज नहीं करेंगे। बहुत लोग, मतलब कि जो मैं बोल रही हूँ कि वो जो एक गर्ल कार्बन फुटप्रिंट पे काम कर रही है, उसने एक ऐप बनाया है, उसमें यहां तक भी है कि अगर आप 2 घंटे एसी कम यूज कर रहे हैं तो आपने उस 2 घंटे जो एसी कम यूज करा है उतने में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में जाने से बचा दी है। एक्चुअली हिसाब क्या है, ये हम हैं, ये पेड़ है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज पेड़ ने कार्बन डाइऑक्साइड ली, ऑक्सीजन रिलीज हमने ऑक्सीजन ली, हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी पेड़ ने ली, पेड़ ने ऑक्सीजन छोड़ी, ये तो हमारा ये 1 बाय 1 का हिसाब चल रहा है। लेकिन हम कहाँ पहुंच गए, तू तो हमें 10 दे दे, हम तो तेरे को 1 ही देंगे, चल रहा है ना, कि भाई हमें ब्रीदिंग तो तुम बहुत सारी दे दो, प्योर ऑक्सीजन बहुत सारी दे दो, हम तो तुम्हें फ्रेश एयर नहीं दे सकते। तो जो पेड़, अगर हमें लगता है ना कि हम पेड़ बहुत सारे लगा लेंगे, तो जो अमेजोन के जंगल जितनी ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं ना, आज आप पेड़ लगाते हो, उस पेड़ को वो ऑक्सीजन रिलीज करने में कोई 100 200 साल लग जाएंगे, क्योंकि वहां के जो जंगल है, वहां के जो घने जंगल है, वहां के जो पेड़ है, वो जिस लेवल की ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं ना, पूरे प्लैनेट अर्थ पे सभी लोगों के लिए हेल्पफुल है। और अगर आज आप वो काम करना शुरू करें कि अमेजोन जैसा जंगल हम दोबारा से बनाना शुरू करें, तो उस जंगल को बनने में अगले 100 साल लग जाएंगे, उस पेड़ को उतने लेवल का काम करने में 100 साल लग जाएंगे। बिल्कुल ऐसे कि मान लो एक कोई बड़ा व्यक्ति मेहनत करके 8 घंटे काम कर रहा है, और आज आपने सोचा कि इस बच्चे से 8 घंटे काम कराना है, तो भी वो बच्चे को बड़े होने में जितना टाइम लगेगा तब तक तो आपको वेट करना पड़ेगा उससे 8 घंटे काम कराने के लिए। तो वो चीज जो हम मिनिमलिस्ट बन के करेंगे वो हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी हमारी ही जनरेशन को बेटर लाइफ देने में,
हमारे ही बच्चों को बेटर लाइफ देने में। और यकीन मानिए, अभी वाली जो जनरेशन है, अभी वाले जो बच्चे हैं जो 2000 के बाद में पैदा हुए हैं, ये स्पिरिचुअली डायरेक्टली इस लेवल पे है। इनकी मेंटल बॉडी अगर ये सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, स्पिरिचुअली ऑलरेडी ये बहुत हाई लेवल पे हैं, हाई फ्रिक्वेंसी पे हैं। और ये जो सोचते हैं उसके लिए आइडियाज, उस पर काम करना बहुत ही जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग तो 15 15 साल सोचते थे फिर जाके काम शुरू करते थे। सेकेंड, इनोवेटिव आइडियाज के साथ में काम कर रहे हैं, एक बिल्कुल देसी नुस्खों के साथ में नहीं, सोशल मीडिया को यूज लेते हुए, मोबाइल एप्स को यूज लेते हुए काम कर रहे हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज के लिए भी काम कर रहे हैं, एनवायरनमेंट पूरे को सेव करने के लिए भी काम कर रहे हैं। इवन बच्चे ही बहुत सारे कोशिश कर रहे हैं कि हम इधर से उधर जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। एक जो बहुत मजेदार बात है वो ये कि जितनी भी कंट्रीज, जो सक्सेसफुल कंट्रीज है, जो विकसित देश हैं, वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज होता है प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की बजाय। आप प्राइवेट कार्स वहां पे यूज नहीं होंगी, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज होता है, इसीलिए वहां पे कहीं पे भी ट्रैवल करना आसान नहीं होता है। यहाँ पे तो इंडिया में तो क्या है, सबके पास कारें हैं, कार रखने की जगह नहीं है लेकिन कार है। और आपको इतनी सी दूर भी जाना है तो आप एक सिटी से दूसरी सिटी इजीली कार में चले जाओगे, लेकिन वहीं आपको ट्रेन या बस पकड़नी पड़ेगी तो आफत आ जाएगी। तो यहाँ पे हम मिनिमलिस्ट होके ये एक बेनिफिट अपनी आने वाली जनरेशन को और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, प्लेनेट अर्थ को देने वाले हैं। ठीक है, तो हम 5 से 10 मिनट ध्यान करेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए और इस प्लेनेट अर्थ के लिए क्या कर रही हूँ, उस पे मैं ध्यान लेकर जाऊंगी। ठीक है, मेरा क्या काम है, ये नहीं कि नीलम मैम क्या कर रही हैं, ठीक है वो भगवान करे वो करती रहे, स्वस्थ रहे, सही नहीं, मैं क्या कर रही हूँ, मेरा क्या रोल है, एक छोटे से रोल आप क्या प्ले करने वाले हैं। मे भी आप शायद गाय या कुत्ते को रोटी डालते हैं तो वो भी प्लेनेट अर्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इनकी भी उतनी ही जरूरत है प्लेनेट अर्थ में। तो वैसे ही आप अपना क्या रोल प्ले कर रहे हैं उसके बारे में हम इस ध्यान में जानेंगे। ठीक है, तो अपने दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में लेकर आइए, बैक स्ट्रेट कीजिए। हमारे माइंड ने बहुत कुछ सुन लिया है, कुछ नए शब्दों के बारे में पता चला है, कुछ मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में हमें पता चला है। तो अपने माइंड से कहिए कूल कूल, रिलैक्स रिलैक्स, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, इसीलिए बिल्कुल शांति से आराम से सोच समझ कर काम करना है। अपना पूरा ध्यान ब्रीदिंग पे लेकर आए, लंबी गहरी सांस ले, छोड़े, फिर से ले, छोड़े, फिर से ले, छोड़े, कुछ अपने फेशियल मसल्स को रिलैक्स कर लें। अपने आईबॉल्स को फोरहेड की तरफ घुमा लें। और अब ऐसा सोचें कि आप अपने बचपन में, जब आप छोटे थे, आपके दादा दादी नाना नानी तब की लाइफ में पहुंच गए हैं। आपको पॉलीथीन्स के बारे में नहीं पता, आपको प्लास्टिक के बारे में नहीं पता, मोबाइल्स क्या हैं ये आपको नहीं पता। आप शायद किसी गांव में खड़े हैं, मे भी हो सकता है आपका घर शहर में हो और आप किसी गांव में घूमने गए हैं। एक छोटा सा विलेज है, अगर आप उस विलेज में घूमेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सब लोग मिलजुल के रह रहे हैं। वहां पे आपको घूमते हुए हो सकता है दो चार बिल्लियां नजर आ जाएं, डॉग्स नजर आ जाएं, कई घरों में गायें और भैंसे बंधी हैं, कई जगह पक्षी उड़ रहे हैं,
बस पल के ऊपर करते ही आपको आसमान दिख रहा है, कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं है वहां पे। जब आप फ्लोर की तरफ, नीचे जमीन की तरफ देखते हैं तो सड़कें भी नहीं है, अब इसी गांव में किसी एक शांत जगह पर बैठ जाइए और चारों तरफ देखते हुए ढूंढने की कोशिश कीजिए कि क्या कुछ ऐसा हो रहा है जो बिल्कुल वेस्टेज हो, जिसको रिसाइकल करना मुश्किल हो। चारों तरफ देखिए, लोग अगर चूल्हा जला रहे हैं तो उसकी राख को यूज कर रहे हैं बर्तन साफ करने के लिए। खेतों से जो भी फसल कट के आ रही है उसकी वेस्टेज को खाद बनाने के लिए, गाय के चारे के लिए यूज करा जा रहा है। गाय का जो गोबर है उसको घर लीपने के लिए यूज करा जा रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि अगर कचरे वाली गाड़ी आए और उसमें फेंकना पड़े। सब्जियों के छिलके वगैरह अगर आप गांव के या अपने घर के किसी कोने में फेंक भी देते हैं तो वो 2-4 दिन में इतनी तेज धूप के बाद में सूख जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश एयर है, सनलाइट है। आपके आसपास अगर कोई बिल्ली या डॉग भी घूम रहा है तो आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग नहीं है। आप जानते हैं कि ये आपकी लाइफ के पार्ट है। आपको एकदम प्योर मिल्क पीने को मिल रहा है। लोगों के पास एक दूसरे के लिए टाइम है, बातें करने के लिए समय है, क्योंकि टीवी भी अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। अब अपने आप को फास्ट फॉरवर्ड ले आइए, 2024 तक की जर्नी कीजिए। टीवी, मोबाइल, पॉलिथीन्स, प्लास्टिक, गाय, बिल्ली, सभी पक्षी आपसे दूर हो गए हैं और आप उस गांव से दूर अपने एक फ्लैट या घर में आ गए हैं। आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है कि इस पूरे नेचर से दूर होके आप जेल में बंद हुए हैं, या फिर वो नेचर को आपने एक जेल में बंद कर दिया है? किसको ज्यादा फ्रीडम है, आपको या नेचर को? अभी आप 2024 में हैं, हम वही लाइफस्टाइल, वही गांव, वही आसपास का एनवायरनमेंट शायद फिर से क्रिएट ना कर पाए, हमारे लिए उतना आसान ना हो उस तरीके से जीना, क्योंकि हमें सुविधाओं की आदत पड़ गई है, सर्विसेज की आदत पड़ गई है। लेकिन अभी के समय में ऐसा क्या है जो मैं इस एनवायरनमेंट के लिए कर सकती हूँ, जो मैं प्लेनेट अर्थ के लिए कर सकती हूँ? क्या ऐसा हो सकता है कि मॉर्निंग वॉक जाते समय मैं पार्क में कुछ पक्षियों के लिए दाने ले जाऊं? क्या आते जाते मैं गाय को रोटी खिला सकती हूँ? और अगर हमारे आसपास कोई गाय या भैंस नहीं है तो किसी गौशाला से मैं जुड़ सकती हूँ?
क्या ऐसा हो सकता है कि बालकनी या छत पे जाके आंख बंद करके मैं 5 से 10 मिनट मेरे आसपास की हवा को महसूस करूं और उस हवा से जो ऑक्सीजन मैं ले रही हूं उसके लिए मैं थैंकफुल हूं? क्या मैं इस एनवायरनमेंट को, प्लेनेट अर्थ को ब्लेसिंग्स दे सकती हूँ? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं जो पानी यूज कर रही हूं उसको बहुत केयरफुली यूज करूं? क्या ऐसी कोई कम्युनिटी है जिसके साथ में जुड़कर जो ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं इस पे वो कैसे काम कर रहे हैं, उनकी मैं क्या मदद कर सकती हूँ ये जान सकूं? माना कि मैं बहुत ही छोटा रोल प्ले करूंगी, बट मुझे सेटिस्फेक्शन होगा कि मैंने कुछ तो करा, कुछ तो करा। मैं यहाँ की सारी सर्विसेज ले रही हूँ, जितना भी मैं भोजन कर रही हूँ, वाटर कंज्यूम कर रही हूँ, फ्रेश एयर में ब्रीदिंग ले रही हूँ, जो भी जरूरी चीजें हैं वो तो मुझे ये एनवायरनमेंट ही दे रहा है। ऐसा नहीं है कि वो मैं कहीं और से कमा रही हूँ, मेरी जॉब से या कोई फैमिली मेंबर मुझे ऑक्सीजन का पैकेट, पानी का पैकेट ला कर देता हो। ये सब मुझे प्लैनेट अर्थ फ्री में दे रही है और मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसे वापस लौटाऊं। ना अपने रोल को पहचानिए, मैं 1 मिनट के लिए आपको अकेला छोड़ रही, अपने खुद के साथ आप क्या करने वाले हैं? अपने आप को बताइए कि मैं आज से प्लेनेट अर्थ के लिए ये करने वाली हूँ। 1 मिनट के लिए आपको मेरी तरफ से कोई आवाज नहीं आएगी। अपने रोल को पहचानिए, अपने आप को बताइए कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ और खुश हो जाइए। खुश हो जाइए क्योंकि आपको अपना पर्पस मिल गया है। अब आपको कैसे एक्शन लेना है इस पे आप काम करने वाले हैं। आपका हेल्दी माइंड आपको गाइड करेगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें, फिर से लें, छोड़ें। नाउ मूव योर फिंगर्स, जॉइन योर हैंड्स, ओम का उच्चारण करेंगे। डीप इनहेल, ओम शांति शांति शांति। लेफ्ट हैंड फोरहेड, राइट हैंड क्राउन, गिव ब्लेसिंग्स टू योरसेल्फ। मैं अपने आप को ब्लेसिंग्स देती हूँ, अपने हर एक गोल को मैं पूरा कर सकती हूँ। मेरा बहुत बड़ा रोल है इस प्लैनेट अर्थ पे, जो हो सकता है दुनिया के लिए छोटा हो लेकिन मेरे खुद के लिए वो बहुत बड़ा रोल है।
और मैं अपना वो रोल प्ले करने के लिए तैयार हूँ। एक माँ, एक बहन, एक पत्नी, एक बेटी, सभी रोल मैं प्ले कर चुकी हूँ, कर रही हूँ, लेकिन ये एक नया रोल। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। अगेन, कीप ऑन योर आईज, टच योर फेस, टच योर नेक, शोल्डर, आर्म्स, चेस्ट, स्टमक, थाइज, नीज, जॉइन योर हैंड्स। थैंक यू गॉड फॉर दिस डे, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स, थैंक यू फॉर ऑल नॉलेज, थैंक यू फॉर माई हेल्दी माइंड। नाउ वेरी जेंटली विथ स्माइल ओपन योर आईज। यस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस चैलेंज वंस अगेन।